व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे जोश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, क्योंकि भैया सुनील नारायण ने बोला दहाड़ा, लेकिन उसके फिर जोश बट्टर ने कहा हम ही हमें तो क्या हम है, हम आएंगे सेंचुरी मारेंगे मैच जिता के ले जाएंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, वार्म अप की भी जरूरत नहीं पड़ी, कहा फील्डिंग नहीं करता हम तहलका मचाते हैं। विराट कोहली ने जब सेंचुरी मारी तब भी बटलर ने ऐसे जिता दिया टीम को, तो ये साबित किया बटलर ने कि सिचुएशन कैसी भी हो अकेला चाहे प्लेयर तो जितवा सकता है, और कल प्रूव करके दिखाया। देखते पूरी वीडियो पॉल वाले की 1 2 3 गो। दोस्तों जिंदगी में दो चीजें कभी भी मत करना, पहला तो गर्मियों में पानी पी के खाली बोतल फ्रिज में रख देना, और दूसरा बटलर के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी लगा देना, क्योंकि दोनों ही केसेस में कुटाई कंफर्म्ड है। अरे ओपनर है तो मयंक अग्रवाल समझे क्या, ये है जॉस द बॉस, 224 का टारगेट चेज करवा दिया बंदे ने सिंगल हैंडेडली भाई, इजिली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेजेस इन आईपीएल हिस्ट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बाय एनी प्लेयर इन अ चेज। 107 रन बनाए बंदे ने, स्ट्राइक रेट एकदम बढ़िया था, स्लो स्टार्ट के बावजूद भी टाइम पे एक्सेलरेट करा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकेले रन मारे हैं भाई, यही एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेशन लेके गया था मैं इस मैच में, एकदम लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक ही थ्रिलर गया है। 12th ओवर तक 99% केकेआर जीत रही थी मैच, और सिर्फ 1% चांस दिखा रहा था राजस्थान के लिए, पर शायद मशीन को पता नहीं था कि जॉस द बॉस भी क्रीज पे खड़ा हुआ है। ये बढ़िया था गुरु, एक बार को तुम क्रिस्टोफर नोलन पे शक कर सकते हो, लेकिन मोटा भाई की स्क्रिप्टिंग कभी डिसअपॉइंट नहीं करती, बट ऐसी स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के लिए एक एक्सेप्शनल प्लेयर ही चाहिए था यार, बटलर जैसा। देखो 224 का टारगेट आसान नहीं होता है, स्पेशली जब तुम इंजरी से भी रिकवर कर रहे हो साथ साथ। अभी तक बंदे ने दो मैच में ढंग से रन मारे हैं और दोनों मैचेस टीम को जिताया है भाई, 4 पॉइंट तुम्हें फ्री में दे गया, वो भी अपने ऑफ सीजन में, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम इससे। लोग तो इस इनिंग्स को देख के ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि विराट और रोहित भी सिमिलर सिचुएशन में रह चुके हैं जहां पे उनको कोई सपोर्ट नहीं था दूसरे एंड से, लेकिन फिर भी सिर्फ बटलर ही क्यों था जो मैच जिता पाया। आई नो भाई ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत डिफरेंट सिचुएशंस थी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये बटलर और हेड जैसे प्लेयर्स का माइंडसेट कहीं ना कहीं हमारी टीम के प्लेयर्स से तो काफी ज्यादा बेटर लग रहा है, और शायद यही एक रीजन बन जाता है जिस वजह से शायद ये लोग टूर्नामेंट्स जीत जाते हैं और हम नहीं। बट ठीक है, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे, अभी हमें इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई कि क्या खेल के गया बंदा। एंड चलो माना कि रन्स का सपोर्ट तो कोई नहीं दे पाया बटलर को दूसरे एंड से, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम खड़ा था क्रीज पे उस समय बटलर के साथ। अरे नहीं समझे क्या, आवेश द गोट यार, भाई ने पिछली बार बिना रन मारे मैच फिनिश किया था, लेकिन इस बार तो बिना बॉल खेले ही फिनिश कर दिया। अरे भैया एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्या किया पोपटलाल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डर गया बेचारा मुझसे। और राजस्थान वालों को पता था कि अगर जीत गए तो भाई ये हेलमेट उतार के फेंक के मारेगा, इसलिए उसको हेलमेट ही नहीं जाने दिया भाई, बिना हेलमेट के खड़ा हुआ था बंदा नॉन स्ट्राइकर्स पे। या शायद आवेश भाई खुद ही हेलमेट नहीं लेके आए इस बार, क्योंकि पता था विराट कोहली ने तो माफ कर दिया लेकिन गौती भाई माफ नहीं करेंगे। और कोई नहीं बल्कि आवेश खानी था जिसने कॉन्फिडेंस दिया कि बटलर तू जिता सकता है, तू कर, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, टेंशन नहीं लेने का। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आवेश खान को नहीं दिया गया, इससे ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि सुनील नारायण की सेंचुरी वेस्ट हो गई। विराट और रोहित खड़े बोल रहे होंगे क्या बात है नारायण, लूजिंग कॉज में सेंचुरी, फर्स्ट टाइम तो है भाई, 500 प्लस T20 मैच खेल चुका है और एक ही सेंचुरी आई है भाई की, लेकिन वो भी कैसे आ गई भाई, ये तो बॉलर था ना, एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है केकेआर की, कई इतने अच्छे बैट्समैनों से भी बढ़िया बैटिंग करके चला गया, और कौन मानता था भाई सिर्फ पावर प्ले में खेल सकता है, उसके बाद भी टिक गया और पूरा सेंचुरी मार के गया। गौती भाई क्रेडिट तो करते रहते हैं, तो इस बात का क्रेडिट तो गौती भाई को फुल जाता ही है, सुनील नारायण ने खुद भी दे दिया है। फाइनली किस चीज का तो किसी से तो क्रेडिट मिला गौतम गंभीर, अरे भैया इस पे ट्रस्ट दिखाया, इसको बैक किया, वापस ओपनिंग पे लाए, रिस्क लिया, और भाई रिवॉर्ड्स भी दे रहा है। हाँ वो अलग बात है कि टीम मैच नहीं जीत पाई तो उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन ठीक है। ठीक कहा है, बस ऐसा ही कोच अगर मुझे भी जिंदगी में मिल जाए तो यूट्यूबर होने के बावजूद इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन पहले हो जाएंगे, फॉलो कर लो जाके इसी बात पे। अभी देखो मैं और ग्रिल नहीं करना चाहता अपने इंडियन प्लेयर्स को, लेकिन तुम खुद ही देख लो यार, कल ट्रैविस हेड ने 39 बॉल में सेंचुरी मारी, आज इसने 49 बॉल में मार दी, और हमारी टीम के प्लेयर्स 50-60 बॉल की सेंचुरीज में ही खुश हो जाते हैं। देखो क्रिकेट का लेवल बढ़ रहा है, प्लेयर्स अडेप्ट कर रहे हैं, तो अपनी टीम को भी थोड़ी ज्यादा इंटेंट चाहिए होगी इस T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए। ऊपर से इस मैच में सुनील नारायण ने बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सामने वाली टीम 200 प्लस बना रही है, लेकिन इसकी इकोनॉमी 7.5 थी विद 2 विकेट्स। अब सब समझ में आ रहा है कि ये सुनील नारायण भाई स्माइल क्यों नहीं करते सही से, पता है ना किस्मत उतनी अच्छी है नहीं, अच्छा खेलने के बावजूद भी हारी। गौती भाई और सुनील नारायण मैच मेड इन हेवन, दोनों ही खुश नहीं होते ढंग से। वैसे इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के चक्करों में भूलना मत कि बटलर और नारायण की सेंचुरी का फुल एंड फुल ऑन क्रेडिट आरसीबी के बॉलर्स को ही जाता है, यही लाए थे इनको फॉर्म में, भूलना मत। आवेश भाई मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, पाउल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर्स को धोखा दे रहे हो ना, सिर्फ नॉक की इकोनॉमी और रसल और सॉल्ट की विकेट्स,
आपसे ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है हमें, एकेडमी ये सब बिल्कुल नहीं सहेगी और आपको आज के आज ही एक्सपेल किया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट राजस्थान जैसी टीमों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, कोई नए टीम फिनिशर्स तो हमें देते नहीं है, ऊपर से हमारे दो लेजेंडरी स्टूडेंट्स रियान पराग और आवेश खान को भी हमसे छीन लिया। ऐसी टीमों को भाई बिल्कुल सपोर्ट नहीं जाता अपना। केकेआर को सपोर्ट करता हूँ, मिचेल स्टार्क को लेके आया भाई सीधा ऑस्ट्रेलिया से एडमिशन करवाने। अब रियान पराग को देख लो, 34 रन बना के गया 14 बॉलों में, वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। रियान भाई 225 चेज करना था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर यही लास्ट ईयर आप खेल रहे होते तो 14 बॉलों में 8 रन बना के जाते। रियान लीविंग पाउल्स इंस्टीट्यूट। अबे हो गया, कोर्स पूरा हो गया। बट ठीक है, जोक्स असाइड, रियान पराग बहुत अच्छी इनिंग्स, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, और अगर थोड़ा मैच्योरली और खेल पाता तो शायद और आगे ले जाता टीम को, बटलर को और हेल्प मिल जाती। बट ठीक है यार, जितना खेला बढ़िया खेला। इसी की तरह रोमन पॉवेल भी था, जिसने आते ही भाई तूफान मचा दिया फील्ड पे। ये लोग टिक तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी जब बटलर टाइम ले रहा था तो इन लोगों ने काम किया। मैं तो मानता हूं राजस्थान का इस समय कोई भी बैट्समैन इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा जितना रियान पराग अच्छा खेल रहा है। ऑरेंज कैप के फिर करीब आके बैठा हुआ है। अब देखो, थोड़ा क्रेडिट तो इस राजस्थान की विक्ट्री का तुम्हारे भाई को भी जाता है यार। क्या रे भिकमंगिया जैसा क्या देख रहा है, हलवाई क्या? राजस्थान की टीम में अच्छा बस ये देख के लगा कि अश्विन अन्ना ना बैटिंग अच्छे से कर रहे हैं ना बॉलिंग। उनकी इतनी खराब परफॉर्मेंस है, इतना खुश मैं कभी भी नहीं हुआ। और देखो, मुझे गलत मत समझो, ऐसा नहीं कि मैं अन्ना को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन सिलेक्टर्स को ज्यादा ही पसंद करते हैं। गलती से अगर एक आधे इनिंग भी अच्छी खेल दी ना तो भाई पकड़ के ले जाएंगे यार यूएसए। जहाँ डीके अपना परफेक्ट ऑडिशन दे रहे हैं, हम अश्विन अन्ना मेक श्योर कर रहे हैं कि वो सिर्फ टेस्ट टीम में ही रहे इस साल। इतना तो कल अश्विन भाई ने लीगल डिलीवरीज नहीं डाली थी जितनी वाइड डाल दी थी। 5 मैच हो गए विकेटलेस जा रहे अन्ना, ऊपर से ना कोई मैन कैडिंग, ना कोई लफड़ा, ना कोई अंपायर को नया रूल सिखाना। अश्विन अन्ना आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कॉन्टेंट तो दे दो थोड़ा सा। वैसे जितना मैं अश्विन अन्ना को जानता हूँ, वो जान के कर रहे होंगे, उनका जून जुलाई में घूमने फिरने का प्लान होगा, उनको T20 वर्ल्ड कप जाने का मन ही नहीं होगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। वरना उनका मन हो तो अच्छा खेल के सिलेक्ट होकर चला भी जाए। केकेआर के लिए सॉल्ट नारायण रसल ही इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स को परफॉर्म ही नहीं करना पड़ रहा। बट स्टिल ये यंग प्लेयर अंकरिश रघुवंशी भाई इस मैच में भी अच्छा खेल के चला गया। रिंकू सिंह ने भी एकदम वैसी इनिंग्स खेली जैसी उनसे वर्ल्ड कप में हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। 5-6-7 नंबर पे आएंगे और बस 8-9 बॉलों में 20-25 रन बना के निकलो, बाकी सब ठीक ठाक है। लेकिन गौती भाई को श्रेयस को थोड़ा रिमांड में लेना पड़ेगा। अब ये बंदा तो भाई बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ट्राई नहीं कर रहा है, तो भाई वर्ल्ड कप ले जाना तो दूर की बात है। अभी आई एम श्योर देखो, अपनी तरफ से सब कुछ दे के भी कॉन्ट्रैक्ट ना मिल पाना कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को अफेक्ट तो कर रहा होगा, जिस वजह से शायद परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन दूसरे एंड पे ईशान किशन तो अच्छा खेल रहा है, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन श्रेयस अय्यर से भी है कि ये भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करे और थोड़ा मुंह तोड़ जवाब तो दे। अभी के लिए ऐसा लगता है कि केकेआर के डिसीजंस भी गौती भाई लेते हैं और रन भी बाकी प्लेयर्स बनाते हैं। श्रेयस अय्यर बस टॉस के लिए आते हैं और कॉइन को किस करके टॉस भी जीत जाते हैं। कहां से सीख रहे हो काला जादू? जितना कॉस्टली केकेआर को मिचेल स्टार्क ऑक्शन में नहीं पड़ा था, उससे कई ज्यादा कॉस्टली मैचेस में पड़ रहा है। लीड बॉलर होने के बावजूद अपने लास्ट ओवर में बंदे ने 18 रन दे दिए 5 वाइड्स के साथ। बची कुछ कसर हर्षित राणा ने पूरी कर दी। बेचारा वरुण चक्रवर्ती कैसे ही बचा पाता मैच, फिर भी उसने बटलर को 3 डॉट बॉल डाल के इतना क्लोज तो ले आया कि एक बॉल में एक रन चाहिए था। तो पूरी केकेआर की बॉलिंग में सिर्फ सुनील नारायण और चक्रवर्ती थे जो ठीक ठाक खेल गए। स्टार्क से सबसे ज्यादा उम्मीद थी केकेआर वालों को कि भाई मैच विनर खरीदा है, ये नहीं पता था कि दूसरी टीम के लिए जिताएगा। आज स्टार्क भाई बहुत जगह है अपने इंस्टीट्यूट में आपके लिए, बट ये भी पता है यार ये आईपीएल का खेल है, जैसे ये आईसीसी नॉकआउट में पहुंचेगा हमारी टीम के अगेंस्ट खेलेगा तो विकेट आनी है। तुम एक बार गौती भाई को दुख समझो यार, जीता जिताया मैच तो हार ही गए, ऊपर से स्टार्क इनके ही पैसे लेके इन्हीं की सुपारी ले रहा है। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है, किसी दिन लफड़ा हो गया ना तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा। बंदा ये सब भी सहले, लेकिन राजस्थान और कोलकाता के मैच में कोहली और धोनी को क्रेडिट मिल रहा है, ये गौती भाई कैसे सहेंगे? बटलर ने पोस्ट मैच में बोला था कि वी हैव सीन कोहली एंड धोनी स्टेइंग टिल द एंड एंड फिनिशिंग द मैचेस एंड आई हैव अप्लाइड द सेम। क्यों यार क्यों, ये हार काफी नहीं थी जो गौती भाई को अलग से और दुख देना था? मतलब चीर ही दो ना बंदे का दिल। देखो राजस्थान तो भाई ड्रीम सीजन खेल रही है, ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं लोग। अगले जो 6-7 मैचेस बचे हैं उसमें से एक या दो भी जीत गए तो इनके ऊपर क्यू लिखा हुआ आ जाएगा और ऑफिशियली भी जाएंगे। केकेआर के लिए मुझे अब थोड़ी कंसर्न्स लग रही है भाई, दे डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन देयर बॉलिंग। इनकी बॉलिंग लगता है ही नहीं यार, मिचेल स्टार्क से बड़ा फ्लॉप नहीं देखा पूरे सीजन में और बाकी स्क्वाड बहुत इनएक्सपीरियंस लग रही है, जिस वजह से शायद ये लोग आगे भी चोक कर सकते हैं। आज है गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं गुजरात टाइटंस को मैच जीत जाना चाहिए। मेरी फैंटेसी टीम ये होगी जहां मैं कैप्टन बना रहा हूं ऋषभ पंत। गुजरात भी अच्छी टीम है लेकिन दिल्ली भी अच्छा कर रही है। कह रहा दिल्ली जिता दो, ये गुजरात अच्छी है पर दिल्ली जिता, अपने अपनी ऐसी चलती पास में दिल्ली यार, क्या पता दिल्ली वाले कहते कि आ जाओ भैया हमारा मैच देख। अरे नहीं यार इस साल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वाइजैग में है ना इनका होम ग्राउंड। और भैया जॉर्ज द बटलर क्या प्लेयर है, नेक्स्ट लेवल। मतलब शुरू में क्रिटिसाइज किया गया पहले 3-4 मैच में कि अच्छा नहीं खेल रहा है ड्रॉप करना चाहिए, उसने कहा तुम ड्रॉप जितने मैंने बनाए इनमें उससे ज्यादा बना के दूंगा, अब तुम्हें दो मैच में सेंचुरी हो भाई मजे आ गए। नारायण वो ऐसा रहता है कि मैं नौकरी पर आया हूँ, मेरे से जो जो कराना करा लो। मुझे लग रहा है जितने भी बाहर के प्लेयर्स है ना ये पक्का एकदम ऐसे यहाँ पे
वो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए ना, बिल्कुल एकदम तैयार। प्रैक्टिस सीजन है उनके लिए तो, T20 प्रैक्टिस सीजन है, हम तो आ रहे हैं प्रैक्टिस करने। और इसको भी देखना है जो 25 करोड़ वाला है ना, 25 मिचेल स्टार्क, ये भी लग रहा है ऐसे, ये भी वर्ल्ड कप में बिल्कुल एकदम अंडरटेकर की तरह उठ के आएगा सीधा। नहीं उठा तो अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे फुल स्पीड में, फुल मस्ती में। ठीक है भैया, होता रहता है, लेकिन कल का मैच मजेदार था, मजा आया, मस्त, एक नंबर। लास्ट तक गया, मैंने हाईलाइट देखी, मैंने लास्ट तक नहीं देखा था, मैंने सुबह हाईलाइट देखी थी। बाकी मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।